नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, स्वीडन पहले और भारत 74वें पायदान पर। कोविड-19 को लेकर WHO ने जाहिर की चिंता, HIV की तरह लंबे समय तक रह सकता है हमारे बीच। FAO ने जारी किया ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020, दुनिया के एक तिहाई हिस्से पर मौजूद हैं जंगल। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक या एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 जारी किया। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह सूचकांक विश्व के 115 देशों में स्वच्छ ऊर्जा के लिए परिवर्तन हेतु तत्परता को मापने के लिए किया गया। यह सूचकांक इन्हीं देशों में उपयोग हो रहे विभिन्न ऊर्जा प्रणालियों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि इन 115 देशों में 94 देशों ने वर्ष 2015 के बाद प्रगति दिखाई है। सूचकांक में स्वीडन विगत वर्ष की तरह पहले पायदान पर अपने दावेदारी बरकरार रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। जहां हैती को इस सूचकांक में आखिरी स्थान मिला, वहीं कनाडा 28वें, अमेरिका 32, ब्राज़ील 47वें और ऑस्ट्रेलिया 36वें स्थान पर रहा। G20 देशों में से फ्रांस 8वें और ब्रिटेन 7वें स्थान पर काबिज रहे। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ETI 2020 में भारत 74वें और चीन 78वें स्थान पर हैं। आपको बता दें कि भारत पिछले वर्ष 76वें स्थान पर रहा। 2 अंकों की इस सुधार से भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसने साल 2015 से लगातार प्रगति दिखाई है। भारत की रैंकिंग में यह सुधार सरकार द्वारा अनिवार्य तौर पर लागू किए गए अक्षय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम के कारण संभव हो पाया है, जिसे 2027 तक बरकरार रखकर 275 गीगावाट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत ने स्मार्ट मीटर, LED बल्बों और अन्य उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ETI को प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण स्तर और सतत पर्यावरण को बनाए रखने का आकलन किया जाता है। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी संस्था है जो विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1971 में हुई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण को लेकर विश्वभर में एक अहम जानकारी साझा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन मसलों के निदेशक माइकल रेयान ने जेनेवा में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ही ना हो, यह हमारे बीच क्षेत्र विशेष का वायरस बनकर रह सकता है। माइकल रेयान ने HIV का उदाहरण देकर कहा कि यह वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, यह हमारे बीच अभी भी उपस्थित है। इस तरह कोरोना वायरस भी हमारे बीच उपस्थित रह सकता है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रास एडहनॉम ने कोरोना वायरस के वैक्सीन पर टिप्पणी करते हुए कहा था, कम से कम 100 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से 6 से 8 वैक्सीन ऐसे हैं जो सफलता के काफ़ी नज़दीक हैं। टेड्रास ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि विश्व भर में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है, जिससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है और दोबारा लॉकडाउन करना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एक नए विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि कोविड-19 के कारण सहारा अफ्रीका के 40 से अधिक देशों में मलेरिया के विरुद्ध अभियान में अड़चनें आ सकती हैं। आपको बताते चलें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपनी सहयोग और मानक विकसित करने की एक संस्था है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है।
FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1990 से लेकर अब तक दुनिया भर में 17.8 करोड़ हेक्टेयर में फैले जंगल नष्ट हो गए हैं, जिसका क्षेत्रफल तकरीबन अफ्रीकी देश लीबिया के बराबर है। इस रिपोर्ट के हवाले से पता चलता है कि बीते कुछ समय में जंगलों के नष्ट करने की रफ्तार में गिरावट आई है, लेकिन जंगलों को बचाने के लिए यह गिरावट पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2015 तक हर वर्ष तकरीबन 1.2 करोड़ हेक्टेयर जंगलों को काट दिया जाता था, लेकिन इसमें पिछले 5 वर्षों में गिरावट देखी गई है। कहने का आशय ये है कि वर्ष 2015 से 2020 के मध्य जंगलों को 1 करोड़ हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से नष्ट किया जा रहा है। आज दुनिया के 1/3 हिस्से पर जंगल मौजूद हैं, जो कि पृथ्वी के करीब 406 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है, यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से 0.52 हेक्टेयर जंगल हैं। दुनिया के जंगलों का 54% भाग रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में मौजूद हैं। पूरे जंगलों का केवल 7% भाग ही मनुष्य द्वारा लगाया गया है। आपको बताते चलें कि यह रिपोर्ट हर 5 वर्ष पर खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसे संगठन के 700 विशेषज्ञ 236 देशों में वन संपदा को 60 से अधिक कारकों पर विश्लेषित किया जाता है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज से प्रभावित होकर गुजरात सरकार ने 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना यानी AGSY का शुभारंभ किया। इसके तहत छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं। AGSY के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के प्रावधानों के अनुसार ऋण की अवधि 3 वर्ष की होगी और किस्त का भुगतान ऋण प्राप्त होने के 6 महीने बाद ही शुरू होगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसके तहत ऋण लेने के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रोबर्टो एजेवोडो ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र देने का फैसला किया। रोबर्टो 30 अगस्त 2020 को अपना त्यागपत्र देंगे। आपको बता दें कि इनका कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था, लेकिन इन्होंने इसके पूर्व ही पद त्यागने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना त्यागपत्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में देने की घोषणा की। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार से जुड़े नियमों को बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर लाने के लिए किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा में भारतीय तटरक्षक के पोत ICGS सचेत और इंटरसेप्टर नौकाएं C450 और C451 का जलावतरण किया। इन पोतों का निर्माण GSL यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और इंटरसेप्टर नौका लार्सन और टोब्रो शिपयार्ड द्वारा PM मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वदेश में ही निर्मित किया गया है। हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एक नई रिपोर्ट जारी कर दावा किया कि वैश्विक महामारी के मद्देनज़र वैश्विक अर्थव्यवस्था के कुल सकल घरेलू उत्पाद के करीब 6.4 से 9.7% के बराबर नुकसान होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर व्यापार अगले 6 महीने तक बंद रहता है तो एशियाई पैसिफिक क्षेत्र सहित चीन और अन्य देशों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 14 मई 2020 को कोबास 6800 परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया। यह मशीन 24 घंटे में लगभग 1200 कोरोना नमूनों का सटीक परीक्षण करेगा, जो जांच क्षमता में व्यापक वृद्धि करेगा। यह पहली COVID-19 परीक्षण मशीन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा खरीदा गया है। इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस मशीन को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है।
फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को कोविड 19 महामारी के मद्देनज़र स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह टूर्नामेंट इसी साल 2 से 21 नवंबर के बीच होना था। विश्व कप स्थगित करने का निर्णय फीफा कन्फेडरेशन वर्किंग ग्रुप ने लिया। तिथियों की घोषणा आगे की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। आपके सकारात्मक सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।